देश में जिले को स्वच्छ रखने और नंबर वन आने की रेस हर साल लगी होती है। इस साल भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को ध्यान में रखते हुए अंबिकापुर में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसे लेकर नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के साथ अब राजघराने के सदस्य भी इस मुहिम में जुड़ने लगे हैं और अपना सहयोग देने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ और मैं हूं कनुप्रिया सत्तन। हिंदुस्तान पथ पर आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 और उसकी तैयारियों के बारे में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अंबिकापुर पहले स्थान का तमगा हासिल करना चाहता है। पूरे देश के सभी शहरों को पछाड़कर वो नंबर वन आना चाहता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी होगी और शायद इसीलिए अंबिकापुर में स्वच्छता रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग करती है उस शहर की जनता ही। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि खुद ही सड़क पर फेंके हुए कचरे उठाते नजर आने लगे हैं। आपको बता दें, स्वच्छता सर्वे में कीर्तिमान हासिल कर चुका अंबिकापुर एक बार फिर से स्वच्छता की रेस में नंबर वन आना चाहता है। यहां देखने में आया है कि अंबिकापुर नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के साथ राजघराने के सदस्य भी इस अभियान से बढ़ चढ़ कर जुड़ रहे हैं। हाल ही में अंबिकापुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नंबर वन बनाने के लिए नगर निगम द्वारा निकाली गई स्वच्छता रैली में शामिल होकर नगर का निरीक्षण किया गया और साथ ही लोगों से मिलकर साफ सफाई रखने की अपील भी की गई। वहीं राजघराने की बहू त्रिशाला सिंह देव शहर में खुद ही कचरा उठाते हुए दिखाई दी और लोगों से अंबिकापुर को स्वच्छ रखने की अपील की। जिम्मेदार नागरिक की तरह रहना चाहिए। ये जिस तरह घर हमारे हैं, वैसे ये शहर भी हमारा है और इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतनी गंदगी मुझे इस बार दिखी यहाँ पे। तो तब पता चला, तो ये पता चला कि नगर पालिका वाले तो अपना काम कर रहे हैं, बट जो हम लोग हैं, हम लोग जो रहते हैं यहाँ पे नागरिक, वो कचरे को फेंक रहे हैं, डस्टबिन का कचरा नीचे ज़मीनों पर डाल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग निकले थे उनको थोड़ी सी जागरूकता देने की आप लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और कचरों को डस्टबिन में डालिए, गंदगी मत फैलाइए। मुझे लगता है अगर हम सब मिलके ये करेंगे, साफ सफाई अच्छे से रखेंगे, तो फिर क्यों नहीं शहर अच्छा रहेगा। और ये हमारे लिए अच्छा है, मतलब हम सबका अंबिकापुर है, ये हम सबका सरगुजा है, तो हम सबको मिलके आगे आना चाहिए और इसको साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। बस यही मेरी पहल थी सबसे, और मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग मिलके एकदम आगे आए और साफ सफाई रखें अपने शहर में। रहना चाहिए, मेरा नहीं है, सबका अभियान होना चाहिए कि हमें अपने शहर को उतना ही साफ रखना है जितना हम अपने घर को साफ रखते हैं। कि सबके लिए होना चाहिए, तो मैं आशा करती हूँ कि सब लोग सफाई रखें। इतना ही आने लगा है कि अंबिकापुर को तो फर्स्ट रैंक मिलनी है, तो नगर पालिका वाले अपना काम खुद करेंगे, सरकार खुद करेगी, हमें क्या करना। पर ये जो एटीट्यूड है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर हम ही नहीं सफाई रखेंगे, कितना लोग कचरा उठाएंगे, कितने नगर पालिका कर्मचारी काम करेंगे। हमें उनके बारे में भी सोचना और अपने शहर के बारे में भी सोचना कि हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उनकी है। हमें कुछ नहीं करना, भगवान ने इतने अच्छे हमें हाथ दिए हैं। कचरा जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सिर्फ डस्टबिन में डालना है हमें, और कुछ थोड़ा ना करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि उतना हम सब करेंगे और शहर को साफ रखेंगे। कुछ दिनों से बात आ रहा था शहर में कि जो एक सफाई का लेवल रहता था कुछ टाइम से थोड़ा सा कम हो गया है कोविड के बाद, थोड़ा सा चीज़ों का अलग अलग कचरा दिखने लगा था। तो उसी को लेके जागरूकता के लिए तौर पे हम लोग सब निकले थे, सबसे बात करते हुए कि किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों को भी और सफाई कर्मियों को भी, और किस तरह उनका तालमेल बिठा के जो सफाई का एक लेवल अंबिकापुर में मेंटेन रहा है उसको मेंटेन कर सके। सब्जी का थोड़ा बहुत इकट्ठा होने का उन लोग का कहना था कि हम लोग इकट्ठा कर देते हैं तो कई बार उठ नहीं पाता, उसको लेके भी निगम ने अपनी तरफ से एक्शन लेने का वो किया है। और कई जगह जो लोग अवैध तरीके से इधर उधर फेंक दे रहे थे कचरा, उन लोग के साथ बात करके हमने समझाने की कोशिश की है कि एक ही जगह इकट्ठा हो जाए या अपने डस्टबिन में रखेंगे तो उसको उठाने में भी निगम को सहूलियत होगी।
शहर आज भी अच्छा काम कर रहा है। एक जो थोड़ा गंदगी बढ़ने का कारण दिखा वो मलबा बहुत है शहर में। आज के दिन में कंस्ट्रक्शन शहर में काफ़ी चल रहा है तो उसके कारण मलबा और धूल थोड़ा बढ़ गया है। उसके लिए भी निगम योजना बना रहा है और हम लोग को पूरा भरोसा है कि अच्छे से अच्छे काम करके शहर की रैंकिंग को मेंटेन रखें। हम लोग का कोशिश रहेगा कि बीच बीच में जागरूकता कैंपेन करते रहें और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सोच के आगे उनका सुझाव निकालते रहें। नई नालियाँ भी बन रही हैं वहाँ पर, तो वो अलग टीम काम कर रही थी। मैं लोगों से भी पूछा तो उनका कहना था कि नहीं, यहाँ पर निगम की टीम आती है और जो कमियाँ उन लोगों ने भी बताई कि कई बार एक आध दिन का गैप भी हो जाता है तो उसको भी निगम को बताया गया कि टाइमली उसको उठाने का काम करें। आपको बता दें, स्वच्छता को लेकर स्वच्छता दीदी लगातार अंबिकापुर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने की भूमिका निभा रही है। इसकी वजह से स्वच्छता सर्वे को लेकर देश में अंबिकापुर की अपनी एक अलग ही पहचान बनी है। लेकिन शहर के कुछ लोगों द्वारा शहर के स्वच्छता अभियान में पलीता लगाया जा रहा है। हालांकि जागरूकता फैलाने के लिए अब इस स्वच्छता अभियान रैली को नगर निगम शहर के 48 वार्डों में पहुंचाएगा और लोगों से स्वच्छता को लेकर अपील करेगा। जैसे कि इस कोरोना काल के बहुत कठिन समय से निकल के अब हम लोग फिर मुख्य धारा से शुरू हो रहे हैं और इसी संदेश को आज की हम लोग पूरे देश में स्वच्छता में नंबर वन है और हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना है। डोर टू डोर कलेक्शन के हमारे यहाँ दीदियाँ आती हैं। आज हमारे यहाँ आदि बाबा और त्रिशाली बेबी दोनों ने हम लोग के साथ में, पूरे निगम की टीम के साथ में, उन्होंने एक जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है और अब हम वार्डों में, हर वार्डों में भी इसे आगे तक स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और निश्चित तौर पे सबसे हम लोगों ने निवेदन किया है और एक एक अच्छा मैसेज शहर के लिए जाएगा। अभी नहीं, अभी उन लोग जो फीडबैक मोबाइल से लेते हैं वो फीडबैक्स चल रहे हैं, लेकिन हमें तो ये देखना है अपने शहर के लिए कि जहाँ पे हमारे शहर में एक भी प्लास्टिक रोड पे नहीं दिखता है वो स्थिति हमें इस कोरोना महामारी के बाद में पुनः बहाल कर। कमियाँ, मैं कभी भी ऐसे कमियाँ तो नहीं बोलूँगा, हमें बस एक अफोर्ड करने की ज़रूरत है कि हम कचरे को बाहर ना करें और अपने दीदियाँ जो कलेक्शन के लिए आती हैं उन्हें ही दें। बार फिर अंबिकापुर नगर निगम स्वच्छता में नंबर वन बनने को तैयार है। इसको लेकर नगर निगम सारे कवायद भी कर रहा है। वहीं राजघराने के सदस्य जिस तरह से जागरूकता अभियान में शामिल होने लगे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काबिले तारीफ है। लेकिन ये बात तो सच है कि स्वच्छता सर्वे में कीर्तिमान हासिल कर चुका अंबिकापुर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में परचम लहराने को तैयार तो है ही।